नमस्कार। रोग कोई सा भी हो, पाचन तंत्र का रोग हो या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो या फिर जोड़ों का दर्द हो या फिर लिवर या हार्ट की समस्या हो, शरीर में सिर से लेकर के तलवों तक शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, प्राकृतिक चिकित्सा में एक बहुत अच्छा सिद्धांत रखा गया जो नेचुरोपैथी प्रिंसिपल्स में सबसे पहले नंबर पर है और वो है बॉडी हील्स इटसेल्फ। पहला है, पहले नंबर पर ही है बॉडी हील्स इटसेल्फ, मतलब शरीर स्वयं को अपने आप ठीक करता है। हील मतलब बिल्कुल ठीक करना, तो हीलिंग जो है, ये हीलिंग जो शब्द है ये होता है जब वो बिल्कुल ठीक करने की बात आती है तब। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट नहीं है, आपको लक्षणिक फायदा नहीं होगा कुछ समय के लिए नहीं, पूरे तरीके से शरीर को जब ठीक करने की बारी आती है तब फिर हीलिंग का उपयोग किया जाता है। लेकिन हीलिंग के लिए कहा जाता है कि हीलिंग ऑलवेज कम्स फ्रॉम विद इन। ये जो है हीलिंग, पूरे तरीके से ठीक होने की प्रक्रिया जो है ये अंदर से आती है, नॉट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से नहीं आती है। व्हाट कम्स फ्रॉम आउटसाइड इज ओनली सिम्टोमेटिक रिलीफ, नॉट हीलिंग। जो भी बाहर से आ रहा है वो सिर्फ आपके शरीर में रोगों के लक्षणों को ट्रीट करने का काम करना है, दैट इज नॉट हीलिंग। वो आपके शरीर को पूरे तरीके से ठीक नहीं कर रहा है। तो फिर पूरे तरीके से ठीक करने के लिए, रोग पूरे तरीके से ठीक हो जाए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि हम इस बात को पूरे तरीके से समझें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम देखेंगे कि जो भी बीमारी शरीर में हो रही है, बीमारी का कारण क्या होता है और बीमारी की सामान्य तौर पर परिभाषा क्या है, डिजीज का मतलब क्या है। डिजीज एक वो अवस्था है जिसमें शरीर को ठीक करने वाले फोर्सेस जो हैं वो हार जाते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले फोर्स हावी हो जाते हैं शरीर पर, तब जो स्थिति बनती है उसको कहा जाता है डिजीज। मतलब एक तो ठीक करने वाली चीजें हैं और एक बिगाड़ने वाली चीजें हैं। तो जब बिगाड़ने वाले हावी हो जाएं और ठीक करने वाले कमजोर पड़े, बिगाड़ने वाले ऐसे करके बिगाड़ना चालू कर दें, ठीक करने वालों के ऊपर ऐसे करके हावी हो जाते हैं, तो ठीक करने वाले बेचारे दबना चालू हो जाते हैं और इस स्थिति को बोला जाता है बीमारी की अवस्था, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, बिगाड़ने वाले जो हैं, डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स पर हावी होना चालू हो जाएं। डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी बोल सकते हैं इसको, जो ऐसी ताकतें जो बिगाड़ने का काम करती हैं जब वो हावी हो जाती हैं उन ताकतों पर जो शरीर को सुधारने का काम कर रही थी, तब फिर शरीर सुधर नहीं पाता है क्योंकि बिगाड़ने वाली चीजें ज्यादा हावी हैं, इसमें शरीर बिगड़ना चालू हो जाता है और इसी अवस्था को बीमारी माना जाता है। रोग की सही परिभाषा तो यही है। अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये जो डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स पर हावी क्यों हो जाते हैं। वो हावी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल में हम धीरे धीरे करके अपने शरीर के जो फोर्सेस हैं, जो कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनको कहीं और दिमाग उनका लगाए रहते हैं। जैसे शेर का दिमाग कहीं और लगा दिया जाए और वो कहीं इधर उधर देख रहा है और पीछे से उस पर बहुत सारे भेड़िए हमला कर दें, तो फिर भेड़िए शेर को हरा देंगे क्योंकि शेर का दिमाग कहीं और था। ठीक वैसे ही यहां पर जो ठीक करने वाले फोर्सेस हैं, जिनको हीलिंग फोर्सेस बोला जाता है, जो शरीर की टेंडेंसी है, जो शरीर को ठीक करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, वो जब कहीं और अपना दिमाग लगाए रहते हैं, ऐसे समय में जो डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो हावी हो जाते हैं और रोग करा देते हैं। अब वो कहां दिमाग लगाए रहते हैं, तो शरीर की ताकत जो है वो दो ही तरीके से काम में आती है। एक तो आप जो खा रहे हो उसको पचाने के लिए शरीर की ताकत लगती है और दूसरा जब शरीर को थोड़ा मौका मिल जाए तो फिर वो ताकतें शरीर को ठीक करने में काम में आती हैं।
अब ताकत तो उतनी ही है। अगर आपको कोई काम करवाना है और आपके पास चार लोग हैं, अब चारों लोगों को आपने एक तरफ भेज दिया, अब दूसरी तरफ आपको काम पड़ गया तो कहां से होगा? नहीं होगा। तो अगर आपके शरीर के पूरे फोर्सेस आपके पाचन तंत्र पर पूरे तरीके से काम करते रहेंगे, क्योंकि पाचन तंत्र में हमने अभी रोटी खाई थी, पाचन तंत्र में खाया गया खाना जो था पूरा शरीर उस खाने को पचाने में ऊर्जा लगा रहा था। अब जैसे ही वो पच के फुर्सत होता, शरीर के कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स पचा करके फुर्सत होते, तब तक हमने कुछ और खा दिया तो फिर वो उसको पचाना चालू कर दिया। जैसे होता ना कि कोई बर्तन धो रहा है, बर्तन धोने वाले व्यक्ति को अब लग रहा है कि बस अब चार बर्तन और बचे हैं, अब चलो यहां से फ्री होकर के हम दूसरा काम करेंगे। अब चार बर्तन बचे थे, जैसे ही वो धोने के कगार पर आता है, पूरे धुलने ही वाले होते हैं कि एक और पूरा का पूरा सेट ला करके 30 बर्तनों का और दे दिया, भैया इसको धो, तो फिर वो उसमें लग जाएगा, फिर तो दूसरे काम नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही शरीर के जो फोर्सेज हैं वो पाचन में ही लगे रहते हैं, और पाचन 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 में लगे रहते हैं तो वो दूसरा काम नहीं कर पाते, हीलिंग नहीं हो पाती। अब आप पाचन से जैसे ही दिमाग हटाओगे, पाचन से जैसे ही फोर्सेज को फुर्सत करोगे, तब फिर वो फोर्सेज आपके पूरे शरीर में देखेंगे कि कहां इंफेक्शन हो रहा है, कहां इन्फ्लेमेशन हो रहा है, शरीर के किस हिस्से पर खून नहीं पहुंच पा रहा है, शरीर के किस हिस्से की कौन सी कोशिकाएं शरीर में अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं, पैनक्रियास की सेल्स का इंसुलिन सीक्रेशन का जो फंक्शन था वो कमजोर क्यों हो गया, लिवर अपना काम अच्छे तरीके से क्यों नहीं कर पा रहा। ये शरीर तब तो देखे ना जब शरीर को फुर्सत मिले, अब शरीर को तो बचाने से ही फुर्सत नहीं है। अब शरीर में आपने फुर्सत मिलने नहीं दी क्योंकि लगातार हम खाए जा रहे हैं, और वो खाए जा रहे हैं जिसको पचाने में शरीर को ज्यादा समय लगता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ऐसा खाना पड़ेगा जिसको पचाने में शरीर को कम से कम समय लगे, ताकि शरीर पचा करके फुर्सत होकर के अपने बाकी कामों को अच्छे तरीके से करने लग जाए। उसके लिए दो विशेष चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। एक तो रात को जल्दी खाना, रात को जल्दी खाना। अब मैं कह रहा हूं रात को जल्दी खाना, तो सामान्य तौर पर रात को जल्दी खाना नहीं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं शाम को खा लेना। शाम को खा लेना मतलब खाना शाम को ही खा लिया, रात होने ही नहीं दी। पहला। अब इसमें हमें प्लस में दो चीजें और करनी है कि एक तो जल्दी खा रहे हैं, दूसरा थोड़ा कम खा रहे हैं, और तीसरा इसी में सुपाच्य खा रहे हैं, जल्दी पच जाने वाला खा रहे हैं। तो क्वांटिटी कम, जल्दी पच जाने वाला, और जल्दी जल्दी आपने रात होने ही नहीं दी, शाम को ही खा लिया, और फिर इसको बहुत चबा कर खाया, चबा चबा कर खाएं। आपने जैसे ही ये कर दिया, आपने चारों चीजें सुधार दी, क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है और कब खाना है। तो जैसे ही ये चारों चीजें सुधारी आपने, आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, डाइजेशन ठीक हो जाएगा तो फिर शरीर को समय मिलना चालू हो जाएगा। अब शाम का खाना आपने जल्दी खा दिया था, शाम के खाने के बाद 3-3.5-4 घंटे के बाद आप सोने के लिए गए, तब जब आप सोने के लिए गए तब तक आपका खाना ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो गया। अब आपके पाचन तंत्र पर आपके शरीर को काम नहीं करना है, तब फिर रात को जब आप विश्राम कर रहे हैं, आपका शरीर अब देखेगा कि कहां कहां गड़बड़ियां हैं, और वो उस शरीर को हील करने में अपने पूरे फोर्सेज लगाना चालू कर देगा। क्योंकि दिन में तो जो आप काम कर रहे होते हैं, शरीर उस काम में भी थोड़ा व्यस्त रहता है, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, आप कुछ फिजिकल वर्क कर रहे हैं, आप कुछ व्यायाम कर रहे हैं, आप कुछ श्रम कर रहे हैं शारीरिक, तो ऊर्जा वहां भी तो लग रही है, तो ऊर्जा वहां जहां लग रही है वो भी तो ऊर्जा देने का काम शरीर का ही है, तो शरीर वहां भी फोकस कर रहा है, फिर पचाने पर भी फोकस कर रहा है। अब रात को आप काम तो नहीं कर रहे हैं इसलिए वहां तो ऊर्जा नहीं लग रही, लेकिन पचाने पर ही लगाया जा रहा था शरीर बेचारा, तो वहां से बचा लिया प्लस पचाने से भी बचा लिया, तो फिर शरीर अपने शरीर के सिस्टम्स को हील करने में ऊर्जा लगाना चालू कर देगा। और डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव तरीका होगा, जहां कहा जाता है बॉडी हील्स इटसेल्फ। तो बॉडी हील्स इटसेल्फ तब होना चालू होगी जब आप ये चीजें करना
चालू कर देंगे। अब थोड़ा ध्यान रखें कि शरीर एलिमिनेशन में डिटॉक्स करने के लिए काम तो करेगा डेफिनेटली, वो आज नहीं तो कल परसों 10 दिन 20 दिन 25 दिन 50 दिन के बाद अपने आप स्वतः ही अगर हीलिंग होना चालू हो गई तो स्वतः शरीर गंदगियां निकालना चालू कर देगा। लेकिन आप यहां शरीर की थोड़ी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल भी नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल्स में आता है कि द वर्क ऑफ फिजिशियन इज टू हेल्प द बॉडी नॉट टू ट्रीट द बॉडी। आप फिजिशियन अगर हैं तो आप शरीर की थोड़ी मदद कर दीजिए ताकि शरीर जल्दी जल्दी अपनी गंदगियों को हटा ले। उसमें आप कोलोन क्लीनिंग में थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, आंतों की धुलाई सफाई अच्छे तरीके से हो जाए, इसमें आप थोड़ी शरीर की मदद कर सकते हैं। मदद कैसे करेंगे? थोड़ा सा आहार चिकित्सा, थोड़ा सा व्यायाम चिकित्सा और थोड़ा सा प्राकृतिक चिकित्सा की मदद लेकर। प्राकृतिक चिकित्सा में कैसे मदद लेंगे? जैसे आंतों की सफाई के लिए आप थोड़ा अच्छे से पानी पी करके वॉमिटिंग कर सकते हैं अगर आपको बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। आप एनिमा का उपयोग कर सकते हैं जो लोअर जीआई को साफ कराए, लोअर जीआई ट्रैक्ट जो होता है, लोअर जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसकी धुलाई सफाई हो जाए। आप अगर पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की सफाई जिसको संघ प्रक्षालन के माध्यम से किया जाता है अगर आप वो कर पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो पूरी सफाई आपने थोड़ा एक्सटर्नली मदद कर दी, अब गंदगी ना फैले इसके लिए आपने आहार चिकित्सा का फॉलोअप कर लिया और फिर आप थोड़ा सा नियमों का पालन करके सुपाच्य भोजन करके अपने पूरे शरीर को वो माहौल दे सकते हैं कि शरीर अपने आप को स्वतः सही करने की कगार पर आना चालू हो जाए। डेफिनेटली शरीर अपने सारे रोगों को स्वतः खत्म करेगा और निश्चित ही खत्म करेगा, क्योंकि हम जब हीलिंग की बात करते हैं तो जब हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं? प्लास्टर बांध देते हैं। ज्यादा गड़बड़ हो जाती है, कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ है तो फिर प्लेटिंग कर देते हैं, रॉड डाल देते हैं, फिर सर्जरी करके और कुछ अगर जैसे वायरिंग करनी है, प्लेटिंग करनी है, स्क्रूइंग करनी है, जो भी किया जाता है वो कर दिया। लेकिन जो हीलिंग का काम है वो तो बॉडी ही करती है। अगर आपके कहीं फोड़ा फुंसी हो जाता है तो उस पर एंटीबायोटिक आपने ओरली खा ली, एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगवा दिया, आपने एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दी, ये सब आपने एक्सटर्नल कर दिया, इंटरनली दवाइयां खा दी, लेकिन हीलिंग का काम तो शरीर ही करेगा। तो ये जो हीलिंग है, इस हीलिंग की व्यवस्था अगर शरीर ने एक बार समझ ली तो वो शरीर के छोटे से लेकर के बड़े से बड़ी बीमारी को खत्म करना शुरू कर देगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये बॉडी हील्स इटसेल्फ जो बोला जाता है ये समझ में आना लोगों को चालू हो। और ये कैसे हो सकता है? ये आहार चिकित्सा से हो सकता है, इसमें प्राकृतिक चिकित्सा की थोड़ी हेल्प ली जा सकती है, व्यायाम चिकित्सा की थोड़ी हेल्प ली जा सकती है, प्राणायाम चिकित्सा की थोड़ी हेल्प ली जा सकती है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।